तो भाई यार मैंने सोची थोड़ी दिन बाद दे देंगे उसे खत। मतलब यार बोरिंग से भी चल रहा है, नहीं चलते जाना खत वत पहुँचाना। तो यार आज फाइनली मैंने सोची कि चलो यार खत दे ही दें उसे। तो भैया अब कुछ मतलब ऐसा है, ये कह रहा है कि कुछ डर्टी वर्ड्स लिखे हैं इसमें, कुछ मतलब पता नहीं क्या है, कुछ प्रॉब्लम है उसकी जिसके कारण उसे मारने की बात कर रहे हैं। मुझे कुछ ढंग से समझ में तो नहीं आया खैर इसका कि आखिर कहना क्या चाह रहा वास्तव में। लेकिन यो भैया पैसे देगा मैं इस काम के, इसलिए पैंथ भैया ने हाँ भी कही, नहीं तो पैंथ भैया ने भी मना करे था। लेकिन हाँ खत बनने को डाके वाला जो काम है उसे तो भाई बिल्कुल मना करे, क्या लेटर नहीं लेके जाने का मैं। लेकिन यो भाई हमारी गल अपने आप जा रहा उसे बचाने, उसे मारने वाने वाले हैं वो, कुछ बात है पता नहीं यार क्या बात। तो भैया मिल गए वो लोग, पहुंच गए फाइनली उस जगह पे जहाँ पे वो हैं। तो भैया यहाँ कुछ प्रदर्शन वदर्शन चल रहा है, किसान आंदोलन पता नहीं क्या बात है। लेकिन अब यहाँ पे हमें इनके लिए वैगन चलानी है, घोड़ा गाड़ी सी जो है इसे चलाना है इनके लिए। चलो भैया ड्राइवर बन जा भाई। यार कतई बोरिंग रहा, मैंने कही थी तुम्हारे से पहले कतई बोरिंग रहे वाले भी सर इसके लेटर वाले के। वैसे साहिब का लौंडा है, ऊपर से हमें पैसे देने में क्या वैसे करने पड़े हैं, नहीं तो बोरिंग रहा कतई इसके मिशन। तो भाई यार फाइनली पहुंच गए अपनी वैगन को चलाते चलाते वहां पे। तो भाई यार यहाँ पे ये कोई इक्वलिटी के राइट्स मांगने आए हैं, उस चीज़ का प्रदर्शन चल रहा है। मतलब ऐसा है कि इसे बचाने के लोंडिया का मतलब पता नहीं मुझे क्या कैसा, लेकिन हाँ इसे बचा लेंगे ये अगर इक्वालिटी के राइट्स मिल गए ने तो। तो भाई ये उस टाइम की बात है जिस टाइम मतलब अनइक्वल था इधर वेस्ट की साइड में, और हमें इसे लोंडे को बचाने के लिए गई थी, इसका कजन आ गया था भाई, वो इसे ठोक पीट देता ढंग से, तो इसलिए इसकी जो सेटिंग है उनने बचाने को कही थी इसे लोंडे को, तो कैसे बचा ला उन्होंने कही ठीक है भैया। तो भाई आई वो पैसे वैसे दे कट लिया, हमने उस लोंडे को बचा लिया जो मतलब वहाँ केस होने वाला था उससे। अपने अगले मिशन पे आ गए काफ़ी बोरिंग मिशन के बाद, अब देखें हैं कैसा रहा है। तो भाई हम डच भैया से मिलने आए थे, और ये शरीफ भैया के गैल थे। तो शरीफ के हमारे बारे में पता तो है कि हम कौन है, हमने क्या क्या केस कर रखे, लेकिन ये कह रहा है कि चलो कोई बात नहीं। तो भैया इसने हमारे से कही है कि भैया अब तुम भी शरीफ और डिप्टी शरीफ हो गए, तो यार मतलब शायद को संभाल लो ढंग से, और अभी हमें इनके लिए कुछ काम करना, जब वो काम हो जाएगा। कौन चला, मैं चला, कौन चला, एक सेकंड, ये भाई साहब चला रहे हैं। हाँ तो भाई जब काम हो जाएगा इनका तो फिर यार हमें मतलब और परमानेंट बना देंगे, अभी तो हमें टेम्परेली बनाया है शरीफ और डिप्टी शरीफ, भाई परमानेंट हो जाएगा तो हमने इनका काम करे तो कुछ खास लोगों को पकड़ना है। तो भाई यहाँ तक की बात से हमें पता लगता है कि कोई मतलब ऐसा कोई लेबर लॉ में चेंजेस वगैरह हुए हैं, उनके कारण से यहाँ पे कुछ लोग हैं जो कि मतलब खुद गैर कानूनी व्यापार करने लग गए खुद का, मतलब जंगलों में दारू वगैरह बनाते हैं, अवैध हथियार वगैरह रखते हैं, गैर कानूनी व्यापार कर रहे हैं पूरा दबा के। तो भैया अभी हमें उन्हें पकड़ने जाना है, एक सेकंड, हमें यहाँ पे कोई टूटी हुई वैगन पाई है तो उन लोगों से संबंधित हो सकती है, इसलिए हम इसकी भी थोड़ी बहुत छानबीन करने जा रहे हैं। और ये कौन है, ये कोई अपनी गैल का है, अपनी गैंग का, वो बड़ा वाला शैफ नहीं आया, और यहाँ पे एक बंदा ही मरा पड़ा है, तो इसकी अभी जाँच पड़ताल कर रहे हैं हम, देखें क्या सीन है भाई, क्या हुआ होगा इसकी गैल। तो भाई अब हमें वैगन लेके वहाँ चलना है जहाँ पे हमें लग रहा है कि इनका व्यापार हो सकता है, थोड़े बहुत क्लूज हैं शरीफ भैया के पास, तो इन्होंने बताया कि एक जगह है वहाँ पे हो सकता है कि ये लोग अपना अड्डा वड्डा बना रखा हो इन्होंने, और वहीं से व्यापार करते हों। तो भाई आगे बढ़ने लग रहे हैं आराम आराम से, दूर से ही एक बार उन्हें स्काउट करके देखेंगे, एक तो यहाँ कोहरा वोरा भी काफ़ी हो रहा। तो भैया अभी हमारे से डच भैया ने पूछा कि राइट जाना है लेफ्ट, तो क्या हो रहा है, हम दोनों स्प्लिट हो रहे हैं, मैं और ये जो अपनी गैंग का दूसरा भाई है हम दोनों, और ये डच भैया शरीफ की गैल डिप्टी शरीफ की गैल जा रहे हैं। तो भैया हम राइट जा रहे हैं, तो भैया ना तो हमें उन्हें ठोकना है और ना ही उन्हें पता लगना चाहिए हमारे आने का, बस उन्हें जिंदा पकड़ के लाना है, वो है तो मेरे जस्ट सामने ही, एक सेकंड, मूवमेंट नहीं देनी बिल्कुल भी, इधर ही देख रहा है वो। तो ये दोनों अलग अलग तो हो गए, एक तो इनके की साइड जा रहा है, सही दामना मैं जा रहा हूँ इधर की साइड राइट में ही, ये घोड़ा लेके एक राइट में जा रहा है, इसे दाब लूँ मैं, एक सेकंड, रस्सी काटो अपनी बाहर, भाग लो इसके पीछे, थम जा तू, थम जा तेरी, यो है ना यार रस्सी, आ जा मुन्ना नीचे हट साले, एक लात भर दी इसमें, अब इसे दाब लिया, बस खत्म कहानी, अब इसे ठाकर वापस चलते हैं,
अपने मीटिंग स्पॉट पे जहाँ से पटकना है। बिल्कुल शांतिपूर्वक करना है काम। अच्छा, बिल वगैरह की और मदद करनी है हमें तो इसे यहीं फेंक दो झाड़ियों में, औरों की मदद करके आवे अभी। थम जा थोड़ी देर, एक सेकंड, मैं जमीन जमीन से जाऊंगा पानी से जाने का, पानी में आवाज़ हुआ है काफ़ी ज़्यादा है। एक सेकंड एक सेकंड, नीचे झुक गए। बिल्कुल शांतिपूर्वक निकलना है इससे। यह इसका ध्यान पर है, ये मुत्तल लग रहा है जहाँ तक है, साले को मुत्ते भी देने का, तेरी माँ का। फेंक दस्ती, बस आ गया हत्ते, हट तेरी माँ की। दाबले 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 सस साले को, दाब लिया दाब लिया दाब लिया दाब लिया दाब लिया, पता नहीं लगना चाहिए बस दूसरे वाले को। बस एक पहली माइक हुआ थोड़ा सा, उसे भी देखना है। एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड, चलो अब इसे ठा लूँ। दूसरा वाला उन्होंने पेल दिया दिखा है, अब इसे वैगन के पास में लेकर चलना, जिससे कि वो है ना जेल वाली वैगन, उसमें गिर के ना, अब बस हो जाएगा हमारा काम। चलो भैया तुम्हारा माल। हीरो वाला सीन याद आ रहा तुम्हें सिंघम का, जो सिंघम सामने बेल्ट में जावे। तो भैया अब हमें क्या करना, डायनामाइट प्लांट करिए उनका जो कैंप सा है ना जहाँ इन्होंने दारू भरक की, उस पूरी दारू को डिस्ट्रॉय विस्ट्रॉय करना डायनामाइट प्लांट करके। तो चलेगा, टेंशन का बात किया, फटाफट करें धमाका प्लांट डायनामाइट। देखियो दारू कितनी बोतले बोतले धरी। ओ भाई भागो 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 भागो, जल्दी जल्दी जल्दी। ओ भाई क्या धमाका हुआ सही वाला। एक सेकंड एक सेकंड, उन्हें पता लग गया जहाँ तक है, लेकिन कोई ना मुन्ना हम भी खतरनाक आदमी हैं। एक सेकंड दुबकना पड़ेगा यहीं। ओ अरे भागो बहन, आग लगा दी इन्होंने इसी में। ओ भाई 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 भाई, भाई ले ली शायद इन्होंने तो। एक सेकंड, चलो ये हो गया। थम तेरी माँ का, ले ही हो गया। यो भाई साहब दिल में छेद कर दिया इसके, हट तेरी माँ का हेडशॉट। एक सेकंड ही हो है यहाँ पे। आजा मुन्ना एक बार आजा। एक सेकंड थम जा तेरी माँ का, तेरी आजा साले तो। बढ़िया भाई साहब, ऊपर चढ़ के खोपड़े में तेरे थम जा साले, तेरा हट। इस अभी इसके ऊपर चढ़ के फोड़ना पड़ेगा। ओ भाई साहब खतरनाक ही ठोकरा, लेकिन हेल्थ बहुत कम हो गई थी इस चक्कर में। एक सेकंड यार, मैंने कुछ खा भी रखा, पेट बिल्कुल खाली है मेरा, हेल्थ बढ़ानी पड़ेगी यार मुझे, फटाफट इसे ही खा लो। अबे डिस्प्ले चला गया था एकदम से मेरा, यूपीएस में पता नहीं क्या चुधाप हो रहा है। एक सेकंड यार, अपनी कट्टा तो काट लूँ। थम जाओ यार, दो मिनट है खुतम इंग आएगा। एक ही हो रहा, ये ठोक दिया तेरी, हट साले हट। यो पेल दिया, बस ख़त्म कहानी। तो चलो भैया हो गया अपना काम, फटाफट चले अपने भाई लोग के पास, इन्हें तो पेल पाल दिया, आए थे बड़े बदमाश बन के। तो भैया डच भैया कह रहे हैं कि भैया हमें अपने कैंप पे वापस जाना है, और यो दारू की बोतल हेंगी, तो डच भैया कह रहे हैं कि इन्हें तो डिस्ट्रॉय करना चाहिए, लेकिन यो कह रहा लोंडा ने कहा डिस्ट्रॉय नहीं करने के, इन्हें हम अपने पास रखेंगे। मैं इसका डिस्प्ले भाग गया यूपीएस के कारण, वापिस आ गया।
दारू की बोतल डच भैया ने इसे दे दी। आराम से पार्टी मचा भाई। और ये बाकी की सारी दारू की बोतल जो है वो अपने कैंप पे जावेंगी, इनका जो बेचने वेचने हिसाब किताब है वो हम करेंगे, इनाम की तरह है ये हमारे लिए। और भाई हमारे डच भैया बन गए परमानेंट शेरीफ, हम बन गए डिप्टी शेरीफ। तो भैया अब लोग वो सब अपने साथ में हैं, वो भी मजा आएगा यार। अब कोई टेंशन वेंशन की बात नहीं है, फटाफट अब हम जा रहे अपने बेस पे। डच भैया ही गए तो भैया डच भैया ने रेस का ऑफर दिया है, हम तो भैया एक्सेप्ट कर रहे। तो भैया बेस तक की रेस लग गई और हम रास्ते से ही जाने गए। रास्ते से भैया हमारा रोल्स रॉयस से रेस वाला घोड़ा नहीं है तो ये थोड़ा सा बंदा है, तो भैया हमें जाना पड़ेगा बीच बाच के वैसे रास्तों से जो ऐसे नहीं होते, थोड़े से मतलब ऑफ रोड टाइप से, क्योंकि भाई इतना तेज नहीं भाग सकता। डच भैया का तो सफ़ेद घोड़ा है बहुत तगड़ा वाला, हमारा रोल्स रॉयस रेस का नहीं है, इसमें बस वैसे ही जान तो बहुत है लेकिन ये रेस का नहीं है। तो चलो यार डच भैया को हरा के देखते हैं। सेकंड यार पीछे से निकल गए इसके, ये उड़ जाती हुई सामने। आ जा बेटा रोल्स रॉयस जान दिखा दे आज अपनी तू। ओ भाई कहाँ कहाँ से आ गए यार हम। चल 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 रेस रोल्स मुन्ना चल चल चल। ओ नहीं 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 अबे क्या चूतिया है क्या साले। ओ बच गया बच गया बच गया, जान बहुत है यार रोल्स में सही होता था। लेकिन डच भैया भी हमारे साथ गए भाई, सड़क से आता तभी कितना तगड़ा डच भैया घोड़ा, सड़क से आता तभी भाई हमें हरा दिया डच भैया ने। रोल्स में जान निकल गई भैया इसकी रोल्स की। चल गया काम से रोल्स में, यार भगने में बिल्कुल बेकार है सही बता रहा मैं, जान तो इसमें काफी है लेकिन भाई भगने में बिल्कुल बेकार है वो। एक सेकंड यार मुझे उसे कुछ खिलाना पिलाना पड़ेगा। जब भाई डच भैया घोड़े तो अभी तक पहुंच भी गया होगा, वापिस आ रहा होगा हमें ढूंढने, कहाँ रह गए। चलो 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 फाइनली पहुंच गए। तो भाई आज के लिए बस इतना ही, बजाय तो लाइक कमेंट से सब्सक्राइब करना, मिलेंगे अगली वीडियो में।